और गैस चैम्बर से कम नहीं है ये, सांस नहीं ले पा रहा, सबसे ज्यादा दिक्कत ही हो रही है। हॉस्पिटल से भरे हुए दिल्ली की पोल्यूशन स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो एयर का पोल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, उसकी वजह से हम सबको मास्क पहनने पड़ रहे हैं ताकि हम अपनी सेफ्टी, अपनी हेल्थ की सेफ्टी के लिए इसको रख सक पहन रहे हैं। अब देखिए कि आप सांस नहीं ले सकते, मुझे इतनी और एस्मेटिक प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं बड़े बुज़ुर्गों को, बच्चों को, और जो नौजवान हैं उनको आप देखिएगा कि बहुत ही बुरी हालत है। आप यहाँ जैसे कहते हैं गैस चैम्बर से कम नहीं है ये। इस टाइम जो पोल्यूशन का हाल है कि बच्चे आँखों में जलन हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, मतलब इवन अगर आप मेडिकल शॉप में जाओ तो मास्क नहीं मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा बिक रहा है। मेरे बच्चे ने वॉमिटिंग कर दी 2 दिन से, क्योंकि उसके अंदर जा रही थी ये। उनकी जो एक्स्ट्रा क्लासेज होती है स्कूल में फुटबॉल की या क्रिकेट की, वो सब कैंसिल कर दी गई स्मॉग के कारण। दिवाली वाले दिन मैंने बोला कि पटाखे इतने मत चलाओ, तो लोगों का कहना था साल में एक ही दिन दिवाली आती है और उसके बाद आप पूरे 1 हफ्ते 10 दिन तक झेलते हो, ये नहीं लोगों को समझ में आती है। और ये छोटा सा बच्चा, ये सब एकेडमिक स्कॉलर्स भी हैं जो आंखों में मिर्ची लगती है, गले में जलन पड़ती है, और क्या नाम, बहुत तकलीफ होती है चलने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट का मरीज हूँ मैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को है, ठीक है, सुबह सुबह बाहर निकलो और ये पोल्यूशन देखो, स्कूल जाने से इतना पोल्यूशन आप ले लेते हो अंदर कि लंग्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि खांसी तो परमानेंट रहती है, मान के चलो यहाँ जितने ही बच्चे हैं हमेशा खांसी ज़ुकाम लगे ही रहता है। पंजाब हरियाणा में जो क्रॉप जलाते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ है ही, और मेन बात है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है पोल्यूशन कम करने के लिए, मतलब जैसा पहले था वैसे ही है, कुछ कोई ठोस कदम कुछ नहीं उठाया गया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पराली का नहीं है ये, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में क्या बदल गया? दिल्ली में एकदम से कोई 1 करोड़ और व्हीकल आ गए, या दिल्ली में कोई 10 लाख इंडस्ट्रीज खुल गई 1 महीने में? दिल्ली में और क्या बदल गया 1 महीने के अंदर? एक ही चीज़ बदली है ना, कि भाई पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है। तो मैं दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत चिंतित हूँ, दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो सोर्सेज हैं धुएं के, चाहे वो व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, वो गार्बेज बर्निंग हो, वो क्रॉप बर्निंग हो, ट्रैश बर्निंग हो, जो छोटी छोटी गलियों में लाखों करोड़ों छोटी छोटी आगें जलती हैं और आज भी जल रही हैं, इन सब को कंट्रोल करना होगा। इन देमसेल्व्स, ईच ऑफ देम विल बी अ स्मॉल अपेरेंटली इनसिग्निफिकेंट लुकिंग स्टेप, बट कलेक्टिवली they will make a big difference in the ultimate outcome. तो हम तो precaution ले रहे हैं, लेकिन जो और लोग हैं जो फटाके कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका प्लीज गवर्नमेंट पता लगाए और उन सबको बैन करे। ट्रीज प्लांट करे, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, जो कि हमने किया नहीं, बिकॉज बढ़ते हुए जो है सिविलाइजेशन के साथ साथ जो है जितने हमने इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाया, आज उसका खामियाजाना हमको भुगतना पड़ रहा है। कम से कम गाड़ीज का थोड़ा यूज़ करो, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, मेट्रो एंड ऑल यूज़ करो, जब तक मतलब स्मॉग का पूरा रिजॉल्व नहीं हो जाता।